हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित अमेरिया एंड स्कूल ऑफ कोरियोग्राफी के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गरबा। तो आइए देखते हैं कुछ रेफरेंसेस गरबा पे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में गरबा किस टाइप से। सो गाइस, जैसा कि आपने रेफरेंसेस देखे हैं, उसमें एक ट्रैक था लहू मुंह लग गया। तो आपने उसे गौर से देखा, आपको उस गाने से एक नई चीज़ भी सीखने को मिल रही है कि अगर आपको डायरेक्टर बोलता है कि यार मुझे एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करना है, लेकिन उस सॉन्ग के अंदर डांस के अलावा या गरबा के अलावा मुझे एक स्टोरी भी देखनी है ना, तो ये सबसे अच्छा रेफरेंस है आपका। आपने उसमें देखा कि रणवीर दीपिका के लिए उसी के एरिया में जाता है, ठीक है, एंड रणबीर और दीपिका का इंट्रैक्शन चल रहा है एंड ये सारी चीज़ें दीपिका के भाई भाभी देख लेते हैं। एंड जब वो भाई भाभी देखते हैं तो रणबीर को वो पकड़ने के लिए जाते हैं और रणबीर के जो फ्रेंड्स हैं वो रणबीर को लेके निकल जाते हैं। तो आपने देखा ये मतलब गरबा भी चल रहा था बट गरबा के अंदर एक स्टोरी भी चल रही थी। तो अगर आपको कोई इस तरीके का टास्क मिलता है जिसमें आपको स्टोरी दिखानी है तो ये सबसे बेस्ट रेफरेंस है। आप यहाँ से देखकर बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो आप खुद कोरियोग्राफ करने के लिए, है। अब हम बात करते हैं कि गरबा में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें यूज़ की गई थी, जैसे कि आपने देखा होगा दिए यूज़ किए गए थे, आपने देखा गुलाल यूज़ किया गया है एंड पूरा जो एटमॉस्फेयर भी उन्होंने क्रिएट किया वो पूरा गरबा फील में ही था। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है अगर आपको आगे जाके कभी ऐसा टास्क मिलता है कि यार मुझे गरबा सॉन्ग कोरियोग्राफ करना है, तो आप यहाँ से बहुत सारे रेफरेंसेस ले सकते हो। अब सेम चीज़ जैसे हमने नेक्स्ट सॉन्ग देखा ढोली तारो ढोल बाजे, तो उस ट्रैक में भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। जैसे कि अगर आपको डायरेक्टर बोलता है कि यार मुझे एक गाना कोरियोग्राफ करना है और उसमें मुझे जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हीरो हीरोइन के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मुझे उस ट्रैक में वो भी दिखाने। तो आपने देखा होगा ढोली तारों में जो ऐश्वर्या की जितनी फैमिली थी वो भी उस गाने में इन्वॉल्व थी और बीच बीच में उनको भी दिखाया जा रहा था। तो अगर आपको कोई ऐसा टास्क मिलता है तो ढोली तारों बेस्ट रेफरेंस है। आप यहाँ से देखकर इस टाइप से सीख सकते हो कि अगर आपको फैमिली मेम्बर भी दिखाने किसी सॉन्ग में तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते। तो गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो गाना देखा लहू मुंह लग गया, ठीक है, तो अगर आपको कोई ट्रैक मिलता है कोरियोग्राफ करने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसके पहले की स्क्रिप्ट क्या है। अगर कोई पिक्चर का गाना कोरियोग्राफ करते हो एंड आपको एक घंटे के बाद, जैसे लाइक मतलब मूवी में एक घंटा हो गया एंड अब आपको एक सॉन्ग ऐड करना है उसमें, फिर उसके बाद कंटिन्यू मूवी को मूवी प्ले करनी है, लाइक जो मूवी चल रही है उसको चलने देना है, तो आपको आगे की स्क्रिप्ट ध्यान रखनी है और उसकी पीछे की स्क्रिप्ट, उसके बीच में आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐसा कोरियोग्राफ करना पड़ेगा कि वो गाना पूरी लिंक लगे। जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट उसके पहले जो लव मू लग गया, उसके पहले रणवीर अपने दोस्तों के साथ बोलता है कि यार लाइक हम वहीं जाकर हम लोग गरबा खेलेंगे, ठीक है, तो गरबा खेलेंगे, देन फिर वो आता है, फिर वो उस एरिया में जाता है, वो मिलता है दीपिका से एंड वो पूरी जो मैंने स्टोरी बताई वो सारी चल रही होती है एंड एंड में वापस उसके फ्रेंड्स उसको ले जाते हैं और वो पकड़ने हैं। तो वो गाना वहीं की वहीं पूरा पिक्चर से लिंक हो चुका है वो गाना। तो इस टाइप के कोई भी अगर आपको ट्रैक मिलता है कोरियोग्राफ करने के लिए मूवी का, तो आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि हमें कैसा करना है। आप हर गाने में अपना इमेजिनेशन लगा सकते हो क्योंकि इससे आप इम्प्रूव करोगे, आप आपका थिंकिंग ऑफ लेवल इम्प्रूव करोगे। तो मैं बोलूँगा कि जब भी आप कोई भी ट्रैक देखो तो आप अपनी तरफ से उस सॉन्ग में एफर्ट ज़रूर लगाना और सोचना कि आप इस गाने में, अगर आप होते तो आप इस गाने में क्या करते। तो गाइस, जब मैंने ये चीज़ सीखी थी तो मैंने 3 महीने तक रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करी इस टॉपिक पे और मैं आपको अभी मेरे एपिसोड्स में मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लाइक मतलब मैं एक एक टॉपिक लेके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप मेरे एपिसोड्स अगर देखते रहोगे ना, तो जब मेरा एपिसोड का लास्ट एपिसोड होगा तब तक मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि
आप में एक कोरियोग्राफर्स वाली फीलिंग्स आने लग जाएगी और आप अपने आप को एक कंप्लीट कोरियोग्राफर मानोगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब तो मैं भी किसी भी सॉन्ग को कोरियोग्राफ कर सकता हूँ। अगर मुझे बॉलीवुड में कोई चांस मिलता है या कोई ब्रेक मिलता है तो मैं भी इजीली कोई भी सॉन्ग कोरियोग्राफ कर पाऊँगा। तो गाइस, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आगे और डिटेलिंग में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है और मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक आम कोरियोग्राफर को तो ये सारा नॉलेज बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे एपिसोड्स देखते रहिए। जब तक के लिए बाय।